हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ अपन इस वीडियो में जानेंगे गोल्ड के एनालिसिस, कि आप गोल्ड के एनालिसिस वगैरह कैसे देख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, कि मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वीकली जाके देखते हैं कि जो लास्ट वीक रहा था वो कैसा रहा था मार्केट का, एंड मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है। तो लास्ट वीक जो मार्केट रहा था वो टोटली बुलिश पे रहा था यहाँ पे, ठीक है। लास्ट वीक मार्केट क्या था, टोटली पूरा आपका मार्केट बुलिश था, ठीक है। ये जो वीकली कैंडल है इस पर बुलिश था आपका मार्केट, ठीक है। 4 आवर पे अपन देखते हैं क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करके दिखाऊंगा 4 आवर पे भी दिखाऊंगा और 1 आवर पे भी दिखाऊंगा। मैं दोनों तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके लिए ड्रॉ करूंगा, जो आपको अच्छा लगे, जिस टाइम फ्रेम को आप यूज करते हैं उस टाइम फ्रेम को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 4 आवरली में अगर अपन देखेंगे तो मार्केट का क्या था, यहाँ पे ये जो है ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने लिया एंड देन मार्केट क्या हुआ, अपसाइड चले गए, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद मार्केट अपसाइड गया, तो ये तो इसका क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, जहां से मार्केट अप गया। अब मान लीजिए अगर मार्केट अप डाउन आता है तो डाउन का क्या सिनेरियो होगा, तो जो ये वाला पॉइंट है ये आपका 4 आवर पे होगा एज ए आईडीएम इल्यूजमेंट, ठीक है। ये इल्यूजमेंट की तरह काम करेगा ये वाला पॉइंट आपके लिए, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट कुछ इस तरह भी आ सकता है, या मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह से भी आ सकता है, या हो सकता है मार्केट यहाँ पे विग मार के अब भी जा सकता है, ठीक है। वो आपको सिनेरियो चेक करना रहेगा कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो मंडे को कैसा होगा, ठीक है। तो 4 आवर पे ही हो गया। उसके बाद क्या है कि 4 आवर पे अगर अपन देखें तो इसके अलावा और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से आप ये कैच कर सकते हैं कि आपका मार्केट बाय जाएगा। ये लास्ट एक पॉइंट जरूर है जहां पे एफवीजी भी है प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों है, एक पॉसिबिलिटी कि अगर मार्केट डाउन आए तो नेक्स्ट टाइम इस पॉइंट से आपको मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। 2 पॉइंट थे मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है। ये भी है बट बीच में जो होते हैं वो काम नहीं करते, एक तो आईडीएम के बाद रिसेंट वाला एंड सबसे लो वाला पॉइंट, ठीक है। ये दो ही काम करते हैं, यानी कि चोच के ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 आवर का जो एनालिसिस है वो इतना सही, इसमें ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर टॉप की बात करें तो मार्केट ऑलरेडी अपने हायर हाई टाइम फ्रेम पे जा रहा है, ठीक है। इतना मार्केट अभी तक एक बार भी नहीं गया तो मार्केट ऑलरेडी टॉप पे है, तो आप पॉसिबल यही है कि बाई का ही ट्राई करिए। अभी 4 आवर में सेलिंग का इतना डाउन देखना पड़ेगा तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा 1 आवर पे अपन शिफ्ट होते हैं कि 1 आवर पे क्या सिनेरियो चल रहा है इसका। तो 1 आवर पे देखिए काफी अच्छा जोन है, एंट्री प्लान भी बन रहे हैं कुछ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं। 1 आवर पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए, सपोज करिए कि मार्केट ने इस कैंडल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, हल्का सा ब्रेक करे, लिक्विडिटी दे या कुछ भी देके ब्रेक करे, ये इसकी विग भी स्वीप करे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका एज ए आईडीएम काम करेगा इल्यूजमेंट की तरह, ठीक है। ये वाला पॉइंट ये आपका इल्यूजमेंट की तरह काम करेगा, समझ में आ गया होगा आई होप आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये पॉइंट आपका इल्यूजमेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि आपके पास दो चीज बच गई, सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी। तो यहाँ पे अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है एंड एफवीजी दोनों चीज है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, ठीक है, इसको पूरा ही कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसके ऊपर का जो ये पूरा गैप बच गया ये हो गया एफवीजी। यहां से जितना भी ये जोन बचा हुआ है इस कैंडल तक ये आपका हो गया एफवीजी, ये पूरा का पूरा एफवीजी वर्क करेगा आपका। अब एफवीजी क्या होता है, आप मेरे रिसेंट वीडियोस देख सकते हैं, उनमें मैंने पढ़ाया हुआ है कि एफवीजी क्या होता है, ठीक है। तो ये एफवीजी हो गया। इसके अलावा अपने पास कुछ और जोन बचे हुए हैं, एक तो ये जोन बचा हुआ है एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, मैं दोनों को मिक्स में ले रहा हूँ, ठीक है। ये एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये दोनों चीज अपने पास बची हुई। अब अपने को देखना ये है कि अपने को बाइंग कहाँ से करनी है मैनुअली, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका बाइंग जोन जो रहेगा, ठीक
ठीक है, वो दो जगह से हो सकता है। पहला तो ये कि आपका मार्केट क्या अभी टॉप लेवल पे है, तो हो सकता है हल्का सा बाई जाए, ठीक है, एंड देन यहाँ पे डाउन आए, हो सकता है इससे भी बाई हो सकता है और यहाँ से भी बाई हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर यहाँ दोनों जगह से नहीं हुआ तो ये थर्ड पॉइंट है जहां से लास्ट आपका मार्केट बाइंग पकड़ेगा, ठीक है, यहाँ से बाई हो सकता है। उसके बाद मान लीजिए मार्केट ये इल्यूजमेंट लेने के बाद नीचे आ रहा है, तो ये पॉइंट आपका चोज रहेगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, चोज। अब मान लीजिए मार्केट ने क्या किया कि चोज के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर दी, यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज होती है, तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्लान करेंगे। बट कभी कभार क्या होता है कि चोज के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग होता है एफपीजी के साथ में, तो ये एफवीजी भी है एंड ऑर्डर ब्लॉक ही, तो यहाँ पे आपका क्या ट्रैप पॉइंट हो सकता है, थोड़ा सा इस चीज का आप ध्यान रखना। क्योंकि मार्केट क्या करेगा, मान लीजिए आपको इस तरह से कैंडल दिखा दी मार्केट ने कि चोज के नीचे कैंडल क्लोज कर दी है, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, चोज के नीचे कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है। अब कैंडल क्लोज करने के बाद प्रॉब्लम ये आती है कि अपन लोग क्या करते हैं कि सेल साइड का ट्राई करते हैं, बट यहाँ पे आप ट्राई करिए, मना किसी ने भी नहीं किया है, बट आप ये भी देखिए कुछ इस तरीके से मार्केट आपको दो तीन कैंडल नीचे देके जाएगा, ठीक है। बट ये जो पॉइंट रहेगी ये इसकी लास्ट पॉइंट की लिक्विडिटी है, इसको लेने के लिए मार्केट आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे कुछ क्लोज करे, अगली कैंडल ऐसे बनाए, एंड देन यहाँ से मार्केट आपका बाई जाना स्टार्ट करे, ठीक है। तो इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके से मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब सपोज करिए कि मार्केट इस जोन को तोड़ देता है, तो अब ये आपके पास एक फाइनल जोन बचेगा, ये वाला 1 आवर पे। अब इस पे मार्केट क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ, इस जोन पे मार्केट आपको 50-50% चांस देगा, मार्केट क्या करेगा यहां तक आएगा, ठीक है, यहां तक आने के बाद मार्केट क्या करेगा, अगेन यहां तक जाएगा, यहां तक, ठीक है। अब इसके पास दो सिनेरियो हैं, या तो मार्केट यहां से डाउन जाएगा, अगर डाउन नहीं गया तो यहां से बाइंग पकड़ेगा पूरा का पूरा ये, ठीक है, ये डायरेक्ट इसी पॉइंट से बाइंग ले लेगा। सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए डिस्टर्ब करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों चीजें आपको देखनी है और थोड़ा पेशेंसली आपको ट्रेड करना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं जल्दी में ट्रेड कर लूँ, मेरे पास पेशेंस नहीं है, तो आप सपोज करिए आपको बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपका स्टॉप लॉस चले जाएगा, तो इन चीजों से थोड़ा आप अवेयर रहिएगा, ठीक है। ये गलती आप मत करिएगा, यहाँ पे मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो जोन होते हैं ये मार्केट ट्रैप करता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही चोज पे दी तो कई लोग कूद पड़ते हैं कि सेलिंग एंट्री आ गई, नहीं, बट यहाँ पे रिसेंट वाला जोन देखिए, इसे बहुत बार मार्केट ने ट्रैप किया है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसका, इसने क्या किया था, यहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी कलेक्ट की थी, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, लिक्विडिटी पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, ये आपका हो गया बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यह आपका हो गया बॉस। इसके बाद क्या होगा कि आपका मार्केट ओपन होने के बाद में कुछ चीजों का और ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका मार्केट डायरेक्ट यहीं से बाई साइड में जाता है, यानी कि मार्केट यहीं से बाई साइड में जा रहा है, तो जो रिसेंट वाला लो पॉइंट होगा इसको आप इल्यूजमेंट रखना, और जो ऑर्डर ब्लॉक या जो भी होगा यहाँ पे आपका, जो भी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बचा होगा, उस ऑर्डर ब्लॉक से आप एंट्री पकड़ने का ट्राई करना, ठीक है, आपको ट्रैप नहीं होना है। दूसरी चीज ये, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो प्लीज कोशिश करिए कि आप गोल्ड पे ट्रेड ना ही करें, क्यों, क्योंकि गोल्ड में क्या होता है, थोड़ा लिक्विडिटी वॉल्यूम्स वगैरह बहुत हाईली वर्क करते हैं, तो आपको जो एसएल है वो हिट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, एंड आपका जो अकाउंट है वो ब्लो होने के भी ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होगी जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए नेक्स्ट वीक आप ओपन होते ही गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक्स भी देखना है, यहाँ पे आपको सारी चीजें देखना है, देन उसके बाद आपको ट्रेड करना है। तो ये गोल्ड का एनालिसिस था इस वीक के लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, अपने पास नेक्स्ट है गोल्ड, गोल्ड के बाद है अपने पास यूरो यूएसडी, ठीक है। यूरो यूएसडी ऑलरेडी बाई पे चल रहा है अभी के टाइम पे, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट क्या करता है कि यहीं से बाई पे जाता है, ठीक है।
उसके अलावा एक ऑर्डर ब्लॉक अपने पास यहाँ पे एक और पेंडिंग पड़ा हुआ था, ठीक है, ये आप यहाँ पे कह सकते हैं दोनों जगह अपने पास ऑर्डर ब्लॉक्स पेंडिंग थे, बट वहां पे मार्केट आया ही नहीं। अब सपोज करिए आपका मार्केट इस आईडीएम को लेता है तो ये पॉइंट आपका एक कंफर्म हो जाएगा लोअर लो, ठीक है। इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि आईडीएम लेने के बाद में मार्केट का जो पॉइंट है यानी कि जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है अपने पास सिर्फ यही वाला बचता है, ठीक है। इसी ऑर्डर ब्लॉक को लेके पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है अपना डाउन जाने का ट्राई करेगा, ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी दोनों चीज काउंट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपने मार्केट का क्या हो चुका? आईडीएम हो चुका, एल्यूजमेंट पहले ही हो चुका है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना कि जो नेक्स्ट मार्केट का मोमेंटम रह सकता है वो दोनों साइड हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि अभी इस पे क्या हो रहा है यहाँ पे यूरो यूएसडी पे, क्योंकि इतने टाइम तो यहाँ पे सेल में था, सॉरी, ठीक है, मार्केट काफी टाइम से यहाँ पे सेल में था, ठीक है। प्रॉपर आपको सारी एंट्रीज दिख रही होगी, तो ये मार्केट क्या सेल में था। यहाँ सेल में जाने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे इल्यूजमेंट लेने के बाद में अपना चौक कंफर्म कर दिया यहाँ पे कि मार्केट अब बाई जाने का प्लान करेगा, ठीक है। अब आप सपोज करिए आपका मार्केट यहाँ से बाई जाता है, ठीक है, यहाँ से बाई जाता है कुछ इस तरीके से और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके डाउन आता है कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट है ये आपका कंफर्म हो जाएगा आईडीएम, ठीक है। आईडीएम कंफर्म होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी बचा हुआ यहाँ से आप बाई की एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये बाई की एंट्री आप इस पॉइंट से प्लान कर सकते हैं, बट केयरफुली करना है आपको, क्योंकि अपन थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये एक्सटर्नल में ही इंटरनल में काम कर रहे हैं अपन अभी। कुछ इस तरीके से एंट्री बनाएगा ये, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजों का आपको ध्यान देना है कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं पकड़ पाते हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, वेट करने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या होगा, मंडे को थोड़ा स्लो चलेगा तो सबसे पहले बाई जाने का ट्राई करेगा, अगर ग्रीन कैंडल के साथ ओपन होता है तो ये थोड़ा बाई में जाता है, देन नेक्स्ट जो डे होगा वो सेलिंग्स में आना शुरू करेगा ये, या अगर फर्स्ट डे सेलिंग में आता है तो नेक्स्ट डे बाइंग का प्लान करेगा। तो कुछ इस तरह यूरो यूएसडी का सीन रहेगा अभी के सिनेरियो में। अगर इसी को अपन 4 आवर पे देखें तो 4 आवर पे कुछ नहीं है, ओनली मार्केट आपका बाई साइड में जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट अपने पास बचता है वो ये कहता है कि आपका मार्केट क्या करेगा, यहाँ से सेलिंग में आएगा, ठीक है, यहाँ से अप जाने के बाद ही सेलिंग में आएगा, देन यहाँ से आपको बाई करना। हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग सिनेरियोज रहेंगे, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री ले। आपको एक ही टाइम फ्रेम यूज करना है, चाहे आप 4 आवर यूज करिए, चाहे 1 आवर यूज करिए, जो आपको करना हो आप यूज करिए, ठीक है, बट आपको टाइम फ्रेम एक ही रखना है। तो ये आज का एनालिसिस था गोल्ड का और यूरो यूएसडी का, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।